एक साथी का सवाल है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की मैयत को गसल देना किसा है भाई सही है इसकी शरण गुंजाइश मौजूद है शरीफ के अंदर आता है कि नबी कि इन सलाम के, के गसल का तस्करा हुआ तो बाद में सईद आशीक रजील् सुनकर फरमाने लगी अगर इस चीज़ का हमें पहले इलम होता तो नबी के नल सलाम को गसल कोई को और नहीं देता बल्कि नबी किल्लाम को गसल आपकी असवाज महतरात ही देती यानी कि सैदा का फहम क्या है के वफात के बाद बीवी मियाँ को गसल दे सकती है या मियाँ बीवी को गसल दे सकता है उनका रिश्ता कायम है तो शर्म तौर पर इसमें कोई कबाद वाली बात नहीं है अब इस चीज़ की शुरू में तो मैं मत नौबत तकरीबन नहीं आती मर्दों को गसल देने के लिए मर्द मौजूद हैं औरतों को गसल देने के लिए औरतें मौजूद हैं हाँ इला माशा कभी कोई सफर की नौबत हो मियाँ बीवी इकट्ठे हो कोई तीसरा ना हो तो फिर नौबत आ सकती है भला अगर नौबत ना भी आए तो इन इस हरीज से हमें यह मालूम होता है कि इसकी गुंजाइश मौजूद है इसके जवाब का कोई इनकार नहीं कर सकता ये मसला इलम में होना चाहिए बल्कि इसके साथ साथ यहाँ से कई और चीज़ें भी सीखनी चाहिए ख़ास तौर पर हमारे माशरे की जो बड़ी बड़ी जहालतें हैं उनमें से एक जहालत ये भी है कि कई लोग ये कहते हैं कि मियाँ बीवी में से कोई फौत हो जाए तो उनका निकाह ही ख़त्म हो जाता है उनसे पूछा जाए ये कहाँ कुरान में लिखा है ये आपने किस आयत से दलील ली है ये जो आप कहते हैं कि उनमें से कोई वफात पा जाए तो निकाह ही ख़त्म हो जाता है आपने किस हदीस से पढ़ा है कहाँ पर लिखा हुआ है अल्लाह के बंदे मियाँ बी के वफ़ा के बाद उनका निकाह कायम है इसी हदीस पर देखें कि नबी के सलाम के, के बाद आपके इस कहती है अगर मुमकिन हमें पहले पता होता तो हम ख़ुद नबी के रमल्ला सलाम को गुसल देते बल्कि इससे भी अगली बात आप तिर शरीफ पढ़ें अब से मनकूल रिवायतें फरमाती है कि जबरील अमीन नबी के ररल सलाम के पास ये ख़बर लेकर आए कि आयशा आपकी दुनिया में भी बीवी है और आखरत में भी बीवी है यानी कि क्या मालूम हुआ जो इंसान की दुनिया में बीवी है तो वो निकाह नहीं टूटता वफातों से निकाह कायम रहते हैं वो आख़रत में भी इस इंसान की बीवी होगी इल्ला ये कि वो बीवी खावन की वफात के बाद कोई दूसरा निकाह कर ले तो उसका मामला इससे अलग है बाकी वफात के बाद उनका निकाह कायम है और इन श्यामत के दिन भी कायम होगा और जन्नत में भी ऐसे नेक मर्द ऐसी नेक औरतें इकट्ठे जाएंगी निकाह कायम रहता है ये जो कहा जाता है कि निकाह टूट जाता है ये बड़ी बेतुकी बात है बेदलील बात है बेहसी बात है अब लोग तो उस बारे में हमारे माशरे में जहालतों की वजह से इतना आगे निकल गए हैं कई लोग तो हमारे माशरे में यहाँ तक कहते हैं कि अगर बीवी फोत हो जाए उसको मियाँ कंधा नहीं दे सकता अब यहाँ की बात है इसी मस्जिद की बात है कि पिछले जुम्मे पर किसी साथी ने खुतबे के दौरान मुझे पर्ची दी और मैंने सवाल पढ़ा तो सवाल ये लिखा हुआ था के बीवी फोत हो जाए तो क्या उसको मियाँ कंधा दे सकता है तो मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे बीवी फोत हो जाती है उसको पड़ोसी कंधा देता है इसके लिए तो कभी किसी ने नहीं पूछा ये सब का जहन कहता है कि पड़ोसी का कंधा देना सही है पड़ोसी का कंधा देना सही है और लोग मियाँ के लिए खावन के लिए पूछ रहे हैं कि जायद है या नहीं कितनी बड़ी बेतुकी बात है कितनी अजीब बात है कि औरत को बीवी को पड़ोसी कंधा दे सकता है कोई पूछने वाला नहीं भाई बिल्कुल सही है खावन दे तो यह जायज नहीं है तो कितनी अजीब बात है तो शरीयत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है वफात के बाद भी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी है और अगर किसी खातून ने बाद में निकाह नहीं तो आखरत में भी उसी खावंत की बीवी बनकर उठेगी